दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जो तीनों आपके जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे आपको अपने स्टोर का जो डिस्प्ले नेम होता है वो चेंज करना होता है, तो उस चेंज करने का क्या प्रोसेस है। तो बात करता हूँ सबसे पहले अमेज़ॉन की। तो ये अमेज़ॉन का मेरा अपना सेलर अकाउंट है, इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे मेरा जो स्टोर का नेम है वो है SS डिजिटल इंडिया, यानी कि मैंने अपना जो सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है SS डिजिटल इंडिया के नाम से, यहाँ पे मैंने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है और डिस्प्ले नेम के अंदर ये है। तो अगर ये नेम मुझे चेंज करना है अमेज़ॉन पे तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे जो सेटिंग्स होता है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अकाउंट इन्फो पे। जैसे आप अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज यहाँ पे ओपन होता है और इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे आपको नहीं करना है, यहाँ पे करना है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होता है प्लेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो होता है इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो लीगल बिजनेस नेम होता है ये वाला आप देखेंगे, जो लीगल बिजनेस नेम है इस बिजनेस नेम को आप चेंज करेंगे। तो चेंज करने के साथ ही और फिर आप अपडेट कर देंगे तो ये अमेज़ॉन का जो सेलर सेंट्रल होता है इसमें आपका स्टोर का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तो हो गया अमेज़ॉन का कि अमेज़ॉन पे अगर आपको अपना नेम चेंज करना होता है तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपना नेम आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसमें अपना नेम चेंज नहीं करना तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हो गया अमेज़ॉन का। अब अमेज़ॉन के अलावा अब आपको अगर फ्लिपकार्ट पे अपना जो सेलर अकाउंट होता है उसका भी अगर नेम चेंज करना होता है तो क्या प्रोसेस है। तो ये फ्लिपकार्ट का मेरा अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आपको यहाँ पे जो होता है ये जो नेम आपका आ रहा है यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको करना है मैनेज प्रोफाइल। तो जैसे आप मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद इसमें होता है अकाउंट। तो जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं एडिट पे और एडिट पे जाके आपको यहाँ पे कर देना SS डिजिटल इंडिया है, इसकी जगह जो भी आपके स्टोर का नेम होता है वो आपको अगर चेंज करना होता है तो वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव करेंगे तो ये स्टोर का नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस फ्लिपकार्ट का। अभी हालांकि मुझे इसमें अपना स्टोर का नेम चेंज नहीं करना तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा, मैंने किया कैंसिल। अब मैं बात करता हूँ मीशो की कि मीशो पे आपको अगर अपने सेलर जो आपका अकाउंट होता है उसमें आपको डिस्प्ले का नेम चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी मेरा जो स्टोर का नेम है SS डिजिटल इंडिया है। इस स्टोर को यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है कि मीशो पे एक टिकट आपको इरेज करनी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट पे जाएंगे और सपोर्ट पे जाने पर आपको जो है यहाँ पे सर्च करना है। सर्च के अंदर आपको क्या लिखना है, चेंज स्टोर नेम। ठीक है, यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आपको चेंज स्टोर नेम पे जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे होता है आई वॉन्ट टू चेंज माई डिस्प्ले नेम। यहाँ पे होता है आई वॉन्ट टू चेंज माई डिस्प्ले नेम, तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होता है रे से टिकट। आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पे और रे से टिकट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अपना न्यू डिस्प्ले नेम, यानी जो भी आप नया नाम देना चाहते हैं अपने स्टोर का वो नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। और इसके बाद में ये कहता है कि लास्ट के 5 डिजिट ऑफ योर पेन नंबर, यानी आपके जो पेन नंबर के जो लास्ट के जो 5 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। और एंटर करने के साथ ही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल सा पहले आपको स्टोर का नेम देना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देना है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टोर नेम। तो वो नेम करने के साथ ही अगर आप अटैचमेंट करना चाहते हैं, कोई पेन नंबर अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो अटैच करके और यहाँ पर आप कर देंगे सबमिट। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप अपना अगर स्टोर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो तीनों जो प्लेटफॉर्म होते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो स्टोर होते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो उन पे अपने स्टोर का नेम आप इजी वे में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।